सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल यूनाइट फॉर नॉलेज आर टूडेज टॉपिक विल बी रोल ऑफ अदर ऑर्गनस इन एक्सक्रीशन फ्रॉम द चैप्टर नाइनटीन क्लास इलेवंथ बट बिफोर दैट इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर मैथेमैटिक्स लेक्चर्स मैथेमेटिक्स कॉन्सेप्ट यू कैन गो टू द चैनल अमित कॉन्सेप्ट एजुकेशन द लिंक विल भी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो मस्ट गो एंड वॉच तो आइए स्टार्ट करते हैं द रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन यानी कि हमारे पास जो हमने किडनी पढ़ लिया है उसके अलावा भी बहुत सारे अदर ऑर्गन्स हैं विच आर हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन जो रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प कर रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए उस उस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए हेल्प कर रहे हैं राइट तो फर्स्ट ऑफ विच इज स्किन जो सबसे पहले हमें मदद कर रही है एक्सक्रीशन में इट इज़ स्किन दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्किन विच आर फर्स्ट ऑफ विच इज स्वेट ग्लैंड जिसको हम सुडोरी फेरस ग्लैंड भी बोलते हैं सुडोरी फेरस ग्लैंड तो जो इट विल प्रोड्यूस स्वेट पसीना जिसे हम बोलते हैं वेन वी स्वेट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन क्या क्या कंटेंट है इन स्वेट वट ऑल इज़ प्रेजेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंटेन्स ऑफ नाइंटी नाइन परसेंट ऑफ वाटर रिमेनिंग यूरिया जो भी बचा हुआ यूरिया है एन एस सी एल

ऑयली सी फीलिंग आती है तो वो ऑयल ग्लैंड से निकला है ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय द ऑयल ग्लैंड एंड इट सिक्रीट्स ऑयल ग्लैंड जो सिक्रीट करता है उसे बोलते हैं सीबम राइट इट कंटेन्स वैक्स स्टेरॉल्स फैटी एसिड्स एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स विच आर नॉट ऑफ आर यूज जो हमारे काम के नहीं है हम उसे बाहर फेंकेंगे ना तो ये हो गया हमारा स्किन देन द अदर ऑर्गन हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन इज द लिवर द लिवर प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ पिगमेंट्स विच आर बिली रुबिन एंड बिली वोन राइट द बिली रूबिन एंड बिली वर्डेन आर द बाइल पिगमेंट जो बाइल जूस सिक्रीट होता है बाय द लिवर उसमें दो पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं बिली रूबिन एंड बिली वर्डन राइट और दीज बोथ दीज पिगमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसीज यानी कि जो आर बी सीज मर जाते हैं उनका हीमोग्लोबिन टूटता है और ये दो पिगमेंट बनती हैं बिली रूबिन एंड बिलीविन तो एक तरीके से एक्सक्रीटरी मटीरियल हुआ दैन द बाइल सॉल्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द बाइल जूस डीज बाइल सॉल्ट आर द डेरी ऑफ कोलेस्ट्रॉल दीज बाइल सॉल्ट आर डेरीवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड दीज आर रिलीज एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स राइट देन द थर्ड ऑर्गन इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन इज लंग्स देन कम्स द लंग्स तो लंग्स कैसे एक्सक्रीशन में हेल्प करता है फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स हेल्प इन एक्सक्रीशन और रिमूवल ऑफ एटीन लीटर ऑफ सी ओ टू पर डे एक दिन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं अठारह लीटर CO2 टू हमारी बॉडी से निकालता है लंग्स विच इज नॉट ऑफ आर यूज ऑल्सो जो भी हम सांस छोड़ते हैं जो हम एक्सेल आउट करते हैं उसमें फोर हंड्रेड एम एल ऑफ वॉटर इज ऑल्सो प्रेजेंट तो फोर हंड्रेड एम एल ऑफ वॉटर इज ऑल्सो रिलीज और एक्सक्रीटेड इन दिस वे राइट नाउ कम्स द लास्ट द फोर्थ वन द सलाइवा सलाइवा भी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट करने में मदद करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड आउट बाय सलाइवा राइट नाउ लेटेस्ट मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट द डिसडर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स की बात करूँ सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किडनी ढंग से काम नहीं करती है मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी लीड्स टू यूरेमिया विच इज़ द एक्ूमिलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड ब्लड को प्योरीफाई करना किडनी का काम है बट अगर वो ढंग से कर नहीं पाएगी तो यूरिया जो है ब्लड में ही रह जाएगा तो अगर बहुत ज़्यादा ब्लड में यूरिया कलेक्ट हो गया विच इज़ नोन एज यूरेमिया इट विल लीड टू किडनी फेलियर अभी अगर किडनी फेल हो गई तो क्या कर सकते हैं राइट किडनी फेल हो गई किडनी का काम कौन करेगा देन द पर्सन विल गो फॉर टू ऑप्शंस दो ऑप्शन है उसके पास पहला तो है उसके पास सिंपल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस हीमोडायलिसिस या डायलिसिस बोलते हैं जिसमें क्या करते हैं देर इज अ मशीन नोन एज डायलाइजर दिस मशीन हेल्प इन डायलिसिस क्या एक पर्सन है उसका ब्लड प्योरीफाई करना है ऑब्वियसली द किडनी का काम क्या है ब्लड को प्योरीफाई करना ब्लड में से सारी वेस्ट मटीरियल को निकालना तो द पर्सन का ब्लड जो है पूरा इसमें निकाला जाएगा अब ये नहीं एक साथ पूरा निकालने बॉडी खाली कर दी राइट धीरे धीरे ब्लड इसमें से निकाल के हीमोडायलाइजर में आता है डायलिसिस इसमें पूरा फ्लूइड होता है डायलाइजिंग फ्लूइड होता है जिससे ब्लड प्योरीफाई होता है एक तरीके से किडनी का काम एक जैसा किडनी के तरीके का काम ये मशीन करती है डायलाइजर और उस ब्लड को फिर वापस ह्यूमन बॉडी में वापस भेज देते हैं राइट देन सेकेंड ऑप्शन क्या रहेगा इस पर्सन के पास सेकेंड ऑप्शन है कि वो किडनी ट्रांसप्लांट करा ले राइट बट किडनी ट्रांसप्लांट कराना इज नॉट अ सिंपल टास्क या बहुत आसान नहीं है कैसे क्या क्या हो सकता है किडनी ट्रांसप्लांट कराया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैचिंग किडनी मिलना बहुत मुश्किल है राइट right. अगर बिल्कुल उसका आइडेंटिकल ट्विन है तो तो रिजेक्शन के कोई चांस नहीं है किडनी में बट मेनली होता क्या है जब किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो बॉडी जो है किडनी को रिजेक्ट कर देती है वाई ये भी इसका भी रीज़न है क्यों क्यों रिजेक्ट करना है राइट right? बात यह है कि अगर मैं किसी पर्सन में कोई एक बाहर से किडनी डालूं तो ऑब्वियसली दिस पर्सन का जो ये इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम क्या समझेगा कि भाई कोई चीज़ बाहर से आई है कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है कोई फॉरेन चीज़ आई है ऑब्वियसली हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है कोई भी चीज़ जो बाहर से आती है उसे मारने की कोशिश करता है तो दिस पर्सन का इम्यून सिस्टम जो है इस किडनी को एक्सेप्ट ना करे इसके बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं राइट तो वो क्या करेगा इस किडनी को अटैक करने लगेगा और ये किडनी रिजेक्ट हो जाएगी राइट right? तो ये रिजेक्ट ना हो इसलिए इस पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसेंट दवाई खानी पड़ती है इम्यूनो सप्रेसेंट जो उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है रोक देता है या उसके काम को कम कर देता है ताकि किडनी रिजेक्ट ना हो और दिस पर्सन हैव टू गेट दिस इम्यूनो सप्रेशन टेक दिस इम्यूनो सप्रेसेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम राइट right, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उसे ये दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जिससे उसकी किडनी रिजेक्ट ना हो देन द नेक्स्ट डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम कैन बी रेनल कैलक्यूलाई रेनल कैलक्यूलाई आर द स्टोन्स बोलते हैं ना किडनी में स्टोन हो गए किडनी में स्टोन हो गए क्या होता है द स्टोन्स आर द इसोल्यूबल मास जो किडनी बाहर नहीं निकाल पाएगी जो फॉर्म हो गए स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म हुए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट की वजह से जो सॉल्ट्स हम लेते हैं बाहर का जो हम ज़्यादा खाना खाते हैं जिसमें प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स लाइक ऑक्जाइलेट्स एट्सट्रा वो किडनी से बाहर नहीं निकल पाते और वहाँ पे एक्यूमेलेट होते जाते हैं एक्यूमेलेट होते जाते हैं और वहाँ पर एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर एक इंसॉल्यूबल मास वहाँ पर फॉर्म कर देते हैं जिसे हम रेनल कैलकुलाई कहते हैं विच विल जो हमें परेशानी देगा राइट right? देन द थर्ड डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रिटरी सिस्टम इज ग्लोमेरूलो नेफ्राइटिस सबसे पहले तो ये आइटिस वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन तो ग्लोमेरूलो नेफ्राइटिस मतलब ग्लोमेरूलस का इन्फ्लेमेशन हो गया जो ग्लोमेरूलस हमारा पार्ट प्रजेंट है नेफ्रॉन में द नेटवर्क ऑफ दिस इसका इन्फ्लेमेशन हो गया तो ग्लोमेरुलफ्राइटिस नाउ देर आर सम टर्म्स रिलेटेड विद एक्सक्रीशन ग्लूकोज सूरिया विच इज़ द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है प्रोटीन यूरिया जितना प्रोटीन यूरिन में प्रेजेंट होना चाहिए उससे ज़्यादा प्रेजेंट है एल्ब्यूमिन यूरिया एल्ब्यूमिन एल्बिमिनिया यानी कि एल्ब्यूमिन का प्रेजेंट इन द यूरिन देन विच इज द प्रेजेंस ऑफ आर बी सीज इन ब्लड देन कीटोनूरिया द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन मेनली हैपन्स इन डायबिटीज मेलाइट डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है कीटोनूरिया देन पाई यूरिया विच इज़ द प्रेजेंट ऑफ पस सेल्स इन द यूरिन पस सेल्स या फिर आर बी सी सॉरी डब्ल्यू बी सीज डब्ल्यू बी सीज जो होते हैं वो पस सेल्स होते हैं उनका प्रेजेंस है अगर यूरिन में तो इट इज़ पाई यूरिया देन पॉली यूरिया इट मीन्स रिलीज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन बार 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 सुसोजाना पड़ रहा है बार बार यूरिनेशन तो पॉली यूरिया देन सिस्ताइसिस विच इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर द ब्लैडर जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका इन्फ्लेमेशन हो गया इट इज सिस्टाइसिस दैन यूरेथ्राइटिस यूरथराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा राइट तो दीज बर द टर्म्स रिलेटेड टू सम एक्सक्रेशन हमारे पास थोड़ी सी टर्म्स हमने पढ़ ली सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब Thank you.